गाइस अभी गंगा ब्रिज जाने वाला हूँ, गंगा नदी। तो ये देखिए ये गंगा नदी है, गढ़मुक्तेश्वर की गंगा नदी, गंगा रिवर। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ रक्सौल स्टेशन पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सत्याग्रह एक्सप्रेस। तो सत्याग्रह एक्सप्रेस जो है रक्सौल से खुल के आनंद विहार नई दिल्ली को जाती है। तो मैं इस ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ कि ये इस सत्याग्रह एक्सप्रेस के टिकट को बुक करने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, क्या करना होता है, और ये ट्रेन जो है किस रूट के थ्रू होकर दिल्ली को जाती है, कितने टाइम से खुलती है और कितने में पहुंचती है। तो इस सारे डिटेल्स मैं आपको इस ब्लॉग में शेयर करूंगा। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहिए, और हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिएगा इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सत्याग्रह एक्सप्रेस जो है सुबह 8:30 पे रक्सौल से खुलती है, और ये अगले दिन 24 घंटे के बाद तकरीबन 9 बजे आनंद विहार स्टेशन पहुंचती है। दोस्तों, इस ट्रेन के टिकट को बुक करने के लिए आप दो तरीके हैं। या तो आप रिजर्वेशन काउंटर पे जाइए, रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पे जाइए, या तो आप irctc.co.in पे जाके बुक कर सकते हैं। इस ट्रेन में जनरल डब्बे भी हैं, स्लीपर भी है, एसी, थ्री एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी भी है। तो आप irctc.co.in पे जाके आप इन सारे कैटेगरी के जो सीट्स हैं, बर्थ अवेलेबल हैं, उसको आप बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके थ्री एसी का जो फेयर है वो तकरीबन 1265 प्राइस तो होता है, उसके बाद 35 रुपीज़ कन्वीनियंस फीस और पेमेंट गेटवे फीस 10-20 रुपीज़ डिपेंडिंग अपन आपके आपका जो कार्ड है या यूपीआई से आप बुक कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो तकरीबन थ्री एसी का 1320 या 1325 रुपये लगता है। सिमिलरली सेकेंड एसी का जो है 1800 कुछ लगता है, और स्लीपर क्लास का जो है 400 कुछ लगता है, 400-500 के बीच में फेयर होता है। जनरल का तो स्टेशन के हिसाब से आपको 200 के आसपास फेयर जाता है। तो ये जो ट्रेन है 8:30 सुबह निकलती है रक्सौल से, और ये डेली है, और ये जो ट्रेन है नेपाल बॉर्डर के आसपास रक्सौल होने के कारण से नेपाल के लोग ज़्यादा इस पर ट्रैवल करते हैं। तो आपको बता दें कि जो ट्रेन 8:30 निकलती है और सुबह 9 बजे आसपास पहुंच जाती है, लमसम टाइम ही चलती है, कभी कदार लेट हो जाए तो अलग बात है। और ये इस ट्रेन में कम से कम 6 से 8 से ऊपर एसी बोगी है, 7-8 से ऊपर स्लीपर बोगी है, 7 से ऊपर स्लीपर कोचेज हैं, और 2-3 जनरल कोचेज हैं। जनरल कोचेज जो हैं वो सबसे लास्ट में या सबसे आगे होता है इंजन के पास। और ये ट्रेन जो है सुगौली, गोरखपुर, सीतापुर, बरेली होते हुए आनंद विहार को जाती है। तो स्टे ट्यून्ड, मैं भी इस समय खड़ा हुआ हूँ और टाइम हो रहा है अभी 8:15 हो रहा है, 10-15 मिनट में ट्रेन निकलेगी। तो ट्रेन का सफ़र का आनंद उठाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ जो कोचेज हैं अंदर, वो कोचेज किस तरह का बना हुआ है सत्याग्रह एक्सप्रेस का। और इसका मेरिट ये है इस ट्रेन का कि आपको टिकट जो है काफ़ी और ट्रेनों से सुपरफास्ट एक्सप्रेस से काफ़ी ईजिली मिल जाता है, टिकट अवेलेबल होता है। अगर आपका टिकट वेटिंग या आरएसी में हो तो कन्फर्म होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो ये, और दूसरी खास बात ये है कि ट्रेन जो है इसका जो स्टॉपेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ट्रेन लेट होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि रनिंग टाइम जो है, रनिंग टाइम दो स्टेशन के बीच में वो ज़्यादा है। ये किस लिए ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत पुरानी चलने वाली ट्रेन है, और ये पहले स्टीम इंजन से चलती थी, फिर डीजल इंजन से आप इसको इलेक्ट्रिक कर दिया गया है। तो स्टीम इंजन का जो स्पीड होता था वो काफ़ी स्लो होता था कंपेरेटिवली टू डीजल इंजन या ये इलेक्ट्रिक इंजन। तो इसलिए जो दो स्टेशन के बीच का रनिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कभी अगर के स्टेशन पर कोई स्टेशन पर ट्रेन ये लेट भी हो जाए तो अगले स्टेशन पर वो मैनेज कर लेती है। और इस ट्रेन में ये की खास बात ये है कि ये ट्रेन का जो मैंने बताया कि जैसे टिकट अवेलेबल होता है, कैंसिलेशन का चांसेस ज़्यादा होता है, तो फेस्टिव टाइम पर भी आपको टिकट मिलने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर आप फेयर करें संक्रांति का, तो संक्रांति का टिकट मिलने में काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन सत्याग्रह का टिकट मिल जाता है। तो स्टे ट्यून्ड, काफ़ी बातें होगी, मैंने बताया आपको इस ट्रेन के बारे में, अब जर्नी भी दिखाता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। तो सत्याग्रह एक्सप्रेस जो है रक्सौल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है, और नॉर्मली ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही निकलती है, और इसका जो कलर है आज के डेट में लाल रंग का है, और पहले ये ग्रीन कलर का हुआ करता था इसके कोचेस। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबी ट्रेन हो चुकी है, पहले तो ये काफ़ी छोटी होती थी, इसमें दो या तीन एसी कोचेज होते थे, लेकिन अब इसमें तकरीबन आठ एसी कोचेज हैं, 26, और फिर उसके बाद सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी है, और फिर जनरल डब्बे हैं। तो
तो ये रक्सौल स्टेशन देखिए, मेरा जो रिजर्वेशन है B6 में है, तो B6 में चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कर्टेंस वगैरह रखे हुए हैं जो कि बेड बाहर पैसेंजर को मिलेगा, बेड सीट और उसमें पिलो कवर पिलो और ब्लैंकेट है। तो 8:30 बज चुका है और अभी सत्याग्रह एक्सप्रेस 8:30 बजे ठीक 8:30 बजे रक्सौल स्टेशन से निकल चुकी है। तो आप देख सकते हैं पैसेंजर सारे अंदर बैठ चुके हैं और सत्याग्रह एक्सप्रेस चल चुकी है। कुछ लोग छूट गए हैं, उनके लिए वैक्यूम करके रोक दिया गया है ट्रेन को, थोड़ा स्लो स्पीड हुआ है, रुक भी जाएगी। अभी हम लोग सुगौली पहुंच चुके हैं और सुगौली आप देख सकते हैं चीनी मिल, शुगर मिल जो सुगौली का है वो ठीक सामने, स्टेशन के ठीक सामने है। और अभी तक जो ट्रेन है राइट टाइम चल रही है, कोई डिले नहीं है। तो अभी सुगौली से ट्रेन निकल चुकी है और ये है शटल जो नरकटियागंज से रक्सौल जाती है सुबह सुबह, तो एक टाइप का क्रॉसिंग था। इसके लिए ट्रेन 5-7 मिनट लेट हो गई यहाँ पे, पर ठीक है वो मेकअप हो जाएगा। अभी ट्रेन बेतिया पहुँचने वाली है और बेतिया के आउटर आइए। बेतिया स्टेशन का आउट एरिया आ चुका है और अभी तक ट्रेन टाइमली है, धूप काफी अच्छी निकली हुई है। तो गाइस अभी ट्रेन जो है वाल्मीकि नगर रोड पे रुकी हुई है, ये वाल्मीकि नगर रोड स्टेशन और आप मेरे ठीक सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर बंदर। और ये वाल्मीकि नगर रोड स्टेशन है, इसके सामने पूरा जंगली इलाका है और ट्रेन का लगता है क्रॉसिंग है, काफी देर से ट्रेन रुकी हुई है। और ये बंदर जो है कुछ कुछ ढूंढ के खाए जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बंदर, बड़े बड़े लंगूर भी मिलते हैं, दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। ट्रेन अभी काफी देर से यहाँ पे रुकी हुई है, एक ट्रेन पास हो चुकी है और अभी पता नहीं दूसरा भी क्रॉसिंग होगा तभी रुकी हुई है ट्रेन यहाँ पे। और अभी तक तो ट्रेन टाइमली है, 15-20 मिनट से यहाँ पे रुकी हुई है, अब देखते हैं कब खुलती है, तब तक हम भी इधर जंगल का मजा ले रहे हैं। और ये जो इलाका है पूरा इधर से लेके नेपाल तक, पूरा यहाँ से नेपाल का बॉर्डर 25-30 किलोमीटर है, लेकिन काफी रुका हुआ है और ये बंदर नजदीक आ रहा है। ये बंदर कहाँ घुस गया है खाने के चक्कर में, कुछ खाना ढूंढ रहा है, ये ट्रेन के अंदर घुस चुका है, अब ये लगता है उस पार चला गया है। और ये बंदरिया अपने बच्चों को लेके जा रही है। तो दोस्तों ट्रेन अभी गंडक ब्रिज पे पहुंचने वाला है, इसको पनियाहवा ब्रिज भी कहते हैं, ये बिहार और यूपी का बॉर्डर है, ठीक इसके बाद अगला स्टेशन है पनियाहवा। और ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रिज है, कितना विकराल नदी है गंडक नदी। गंडक नदी आपको पता है नेपाल से बह के आती है भैंसा लोटन में, इस पर डैम भी है। और आप देखिए इस ट्रेन को क्रॉस करने में मिनटों लग जाएगा, इस इतनी स्पीड में भी है और नदी काफी बड़ी है इसलिए पुल भी बहुत लंबा है, तो मिनटों लग जाएगा इसको क्रॉस करने में।
अभी तो पानी कम दिख रहा है आपको, बरसात के समय में पूरा फुल हो जाता है। तो भैंसा लोटन नेपाल के साइड है, और वाल्मीकि नगर जो है उस पर, जिस पर ब्रिज लगा हुआ है, जिस पर जिससे नहरें निकली हुई हैं इसी नदी से, और एक थर्मल प्लांट भी है वहां पे। तो गाइस दिन के 3:30 बज रहे हैं और ट्रेन अभी गोरखपुरा पहुंची है। तो गोरखपुर के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगी हुई है, और मैं आपको बता दूं कि एक नंबर प्लेटफॉर्म जो है एशिया का, इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे लंबा, बड़ा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अभी सत्याग्रह एक्सप्रेस वहीं पे लगी हुई है। तो अभी यहाँ पर ये ट्रेन में पानी वगैरह और साफ सफाई भी होता है, तो पैसेंजर्स को रिफ्रेशमेंट करना होता है तो यहीं पे खरीदते हैं, क्योंकि आगे के स्टेशन काफी छोटे छोटे होते हैं। तो अभी हम लोग, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करूंगा, चाय पानी पीऊंगा, और फिर ट्रेन आगे बढ़ेगी। तब तक स्टे ट्यून्ड और बने रहिए। New Delhi is arriving shortly on platform number 2. प्रॉब्लम होता है चाय का, चाय जो है रेलवे के अंदर रखा मिलता नहीं है। तो गोरखपुर पर चाय ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा बेटर है। जो अंदर घुमा के बेचते हैं वो तो बिल्कुल ही बकवास होता है, उसमें किसी में दूध ही नहीं होता है, किसी में चीनी ज्यादा होता है। चाय का आनंद, और अभी ट्रेन थोड़ी देर और रुकेगी, उसके बाद अभी चलेंगे यहाँ से, टाइम पे है ट्रेन। तो गाइस अभी शाम के 5 बज रहा है और ट्रेन पहुंची है बस्ती। तो बस्ती अभी थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, अंधेरा होने वाला है, और कोच में जो है काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो अभी तो एसी वाले को बुला के कूलिंग कम करवाया था, लेकिन अभी काफ़ी कूलिंग हो गया है, फिर से बुलवाना पड़ेगा। और बस्ती स्टेशन का देखिए हाल दिखाते हैं आपको एक रियर व्यू से। दोस्तों ये है बस्ती स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2, और इस पर रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे बस्ती है, बस्ती लिखा हुआ। अभी ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पे, पता नहीं क्रॉसिंग है या कुछ है। अभी स्टेशन पर भी काफी सारे बंदर हैं। अब ट्रेन बस्ती से निकल चुकी है। आज है ट्रेवल का दूसरा दिन, और अभी तक ट्रेन जो है तकरीबन 3 घंटे लेट हो चुकी है। सीतापुर के बाद पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या कुछ चल रहा था, तो अभी तक ट्रेन जो है 3 घंटे लेट है। और अभी यहाँ पर केवड़ मुक्तेश्वर से एक स्टेशन पहले यहाँ पर रुकी हुई है ट्रेन काफी देर से, और ट्रेन पड़ ही नहीं रही है। तो देखते हैं कब तक आनंद विहार पहुँचती है, और समय हो चुका है 8:15 हो रहा है। तो अभी तो आनंद विहार 11 बजे के पहले पहुँचने का कोई सिस्टम ही नहीं है, कुछ कुछ कह नहीं सकते कि 11 बजे पहुंचेगी या 11 बजे के बाद पहुंचेगी। तो देखते हैं सत्याग्रह एक्सप्रेस का ये हाल। तो स्टे ट्यून्ड, अभी लगता है ट्रेन खुल गई है, क्लियरेंस मिल गया है। तो ट्रेन खुल चुकी है काफी देर के बाद, तकरीबन 1 घंटा से ऊपर यहीं रोक दिया था, और यहाँ पर भी काफी बंदर उंदर है। यहाँ पे बंदर है सर।
आता है झपट मार। हाँ झपट मार रहा था मोबाइल, लेकिन काफी दूर है सर। ये सबसे तेज दौड़ता है सभी, सब बच्चा, छोटा बच्चा होता है सब बहुत तेज दौड़ता है। गाइस अभी गंगा ब्रिज आने वाला है, गंगा नदी। तो ये देखिए ये गंगा नदी है, गढ़मुक्तेश्वर की गंगा नदी, गंगा रिवर। दोस्तों ट्रेन हापुड़ आ पहुंची है और हापुड़ में लोग रिफ्रेशमेंट करते हैं, तो यहाँ का जो मेजर रिफ्रेशमेंट आइटम है वो छोला है। तो देखिए मेरे हाथ में भी छोला का एक प्लेट, मैंने छोला लिया हुआ है और इसको बहुत ही ये फेमस है हापुड़ का, हापुड़ स्टेशन पर ही मिलता है। फाइनली 2 घंटे 20 मिनट की देरी से ट्रेन आनंद विहार स्टेशन पहुंच चुकी है और इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो टोटल हमें लगा 27-28 घंटे ट्रेवल करने में, तो आप देख सकते हैं आनंद विहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।